नमस्कार, मैं भव्य, आप देख रहे हैं एंडपुर न्यूज भारत। अभी हम लोग हैं हजारीबाग के समाहरणालय के बाहर और यहाँ पे अच्छा खासा धरना का माहौल बन चुका है। ये माहौल इसलिए बना है क्योंकि हमने आपको जो पिछला खबर दिखाया था गोंदलपुरा का, वो गोंदलपुरा में बात ये था कि जमीन जबरदस्ती उन लोगों का लिया जा रहा था और अभी भी यही हुआ है। जो वहाँ पे ग्राम सभा और जो बैठक हुई उसमें बिना ग्रामीणों की सहमति के जमीन का नोटिफिकेशन देने के लिए, मतलब कि नोटिफिकेशन निकल आया कि उन लोगों को जमीन देना पड़ेगा, मुआवजा के लिए नोटिफिकेशन निकल आया और 90 डेज का टाइम पीरियड जो मिला था ये लोग अब उसमें प्रदर्शन करेंगे। आप यहाँ पे जो बैनर देख रहे होंगे, जिस बैनर तले यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, वो बैनर है अडानी कोयला खनन परियोजना गोंदलपुरा रद्द कर। मतलब कि ये लोग बिल्कुल विरोध में है, इससे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। और नारेबाजी के साथ यहाँ पोस्टर्स के साथ ये लोग निकल आए हैं यहाँ पे आज बैठक विरोध करने के लिए, विरोध पे बैठक करने के लिए। आप जैसे हम लोग गोंदलपुरा का मैटर पता है, पर एक बार हमारे दर्शकों को शुरू से बता दे गोंदलपुरा का, ये जो अडानी का जो ये अडानी कंपनी, देखिए हम लोग जब से अडानी का गोंदलपुरा में कोल आमंटन हुआ है तब से हम लोग पूरा गोंदलपुरा का पूर्ण ग्रामीण, हम लोग अडानी कंपनी का जो आम सभा ग्राम सभा जितना भी सभा हुआ सब पूरा ग्राम सभा की ओर से पूरा एकदम विरोध हो रहा है। फिर भी गोंदलपुरा कोल आमंटन जो है आम सभा ग्राम सभा यहाँ का जो हजारीबाग जिला का डीसी है या जो भी प्रतिनिधि है ब्लॉक का, उन लोग फर्जी ग्राम सभा कर दे रहा है। इसीलिए हम लोग पूरा गोंदलपुरा के ओर से हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं कि वहाँ का कोल आमंटन रद्द किया जाए। अच्छा, तो मतलब कि आप जो ग्राम सभा आम सभा ये सारी जो चीजें हुई उसमें ग्रामीणों की सहमति नहीं थी, उसके बावजूद भी जमीन लेने के लिए मुआवजा का नोटिफिकेशन निकल आया है। इस नोटिफिकेशन का 90 डेज टाइम पीरियड होता है, आप लोग अभी शायद आप लोगों को पता होगा ये सारी चीजें, तो ये 90 डेज में आप लोग क्या क्या करने वाले हैं और नोटिफिकेशन का जो आखिरी दिन है तिथि है कब है? ये हम लोग तो जो गोंदलपुरा जिसे ग्राम सभा पास किया गया है तो वो सिर्फ टेबल पर हुआ है, किसी एक भी जनता 1% जनता का सहमति नहीं है। इसलिए हम लोग कोल आमंटन चाह रहे हैं कि इसको रद्द किया जाए। आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने आए, किसको एप्लीकेशन सौंपने आए हैं? हम लोग गोंदलपुरा ग्राम सभा में जो कोल आमंटन हुआ है उसमें डीसी महोदया के माध्यम से चिट्ठी निकला हुआ है कि जो अपना खाता प्लॉट जो जमीन है उसमें 3 महीना के अंदर आपत्ति दर्ज करना है, तो हम लोग आपत्ति दर्ज करने भी आए हैं। अच्छा। हम लोग चिट्ठी भी देंगे। ठीक है, काफी समस्याएं होंगी आप लोगों को, क्या क्या जो पॉइंट्स आप लोग उठा के चल रहे हैं विरोध? हम लोग के यही विरोध है कि हम लोग का अडानी कंपनी वापस चले जा सुरक्षित से, हम लोग का उसको ना खेती देना है ना कोयला खोदने के लिए देना, हम लोग अपना गांव में अपना खेती से हम लोग पूरा सुरक्षित हैं। और ना तो बोलते हैं आम जनता, आम पब्लिक बोलते हैं कि नहीं सो गोंदलपुरा का जमीन ये है ये थी है बंजर है, मगर अभी बोलते हैं कि चलिए हम लोग के साथ, देखिए गोंदलपुरा का जमीन बंजर है और वहाँ पे उपलब्ध जमीन है, सो हम लोग का 4 फसल जमीन होता है। अडानी बोलती है नहीं बंजर जमीन है, बैठे बैठे जितना पदाधिकारी लोग पैसा खाए हैं और कुछ किए उन लोग बोलते हैं नहीं बंजर जमीन है, हम लोग के साथ में चलिए और देखिए कि हम लोग के जमीन बंजर है क्या है नहीं है, सो देखने से ही ना पता चलेगा जमीन को कि बंजर है। सो हम लोग इतना ही अडानी से कहते हैं कि आप सुरक्षित से चले जाएं, हम लोग का कोई नहीं ना नौकरी करेंगे हम लोग ना मेरा बाल बच्चा नौकरी करेगा आपका, इसी वास्ते हम लोग बोलते हैं कि ना खदान खोलने का राय दे रहे हैं ना हम लोग जमीन देंगे, हम लोग अपना गांव में अपना फसल से हम लोग जीवित सुरक्षित हैं। हमने आपको गोंदलपुरा में उपस्थित होकर के एक बार जो खबर दिखाई थी उसमें हमने आपको पूरे खेत खलिहान दिखाए थे कि किस तरह से उपजाऊ है, आपको चारों तरफ की हरियाली हमने दिखाई थी
कि वहाँ पे जमीन का जो उपजाऊ बना है वो किस तरह से है, और उसके बाद भी वहाँ पे बंजर बता करके जमीन लेने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे बाकी महिलाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे इनके समस्या के क्या क्या समस्या है। आप में से कौन बोलना चाहेंगे, क्या क्या समस्या है, क्या लगता है सरकार आपकी कितनी सुन रही है? अभी तक तो हम लोग को सरकार कुछ नहीं सुन रही है, सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग 3 आम सभा 3 ग्राम सभा 3 लोकसभा हम लोग पूरा एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक हम लोग पूरा रद्द करवाए हैं। जब जब ग्राम सभा लोकसभा आम सभा का जब जब मतलब डेट फिक्स हुआ हम लोग पूरा मन धारण करके पूरा पूरा ग्रामीण के साथ हम लोग विरोध किए, लेकिन पता नहीं कहाँ से कहाँ ये लोग फर्जी सब पास करा दिया है। और गोंदलपुरा को पूरा एक लाइन में बोला गया कि बंजर भूमि है, वहाँ आँखों से देखने का चीज़ है कि कोई भी आदमी जाके देखे कि कोई भी अधिकारी कोई भी सरकार कोई भी मंत्री कोई भी नेता जाके देखे कि बंजर भूमि है या बहुत फसली है। ठीक है, तो अभी कितने दिन का नोटिफिकेशन पीरियड में आप लोगों को रखा गया, उसके बाद फिर मुआवजे की बात चल रही है जमीन लेकर के देने का? मतलब अच्छा तो वही तो बात है ना कि उसके बाद भी बात नहीं लगाया मुआवजा वाला? नहीं, हम लोग मुआवजा कुछ नहीं चाहिए, हम लोग जमीने नहीं देंगे तो मुआवजा फिर क्या, कोई सामान हम लोग को बिक्री कराए करना ही नहीं है, फिर उसका दाम हम लोग क्यों रखेंगे, क्यों हम लोग मुआवजा मांगेंगे? ठीक है, बाकी ग्रामीणों से भी हम बात करके देखते हैं और जानते हैं कि क्या क्या आखिर क्या पास हुआ है। अभी जो हम लोग ग्राम सभा आम सभा जितना हम लोग रद्द कराए थे वो कुर्सी पर बैठ करके विधानसभा में पास किया गया है, उसी को आपत्ति पत्र हम लोग देने के लिए यहाँ डीसी महोदय को महोदया को देने के लिए पहुँचे हुए हैं, उसी को हम लोग अभी एक सौंपेंगे ज्ञापन, जो हम लोग को बोला गया था कि आप लोग को जो भी हो ज्ञापन सौंपने आए या विरोध प्रदर्शन के लिए आए? दोनों करने के लिए हम लोग आए, वो भी देने के लिए है विरोध भी करने के लिए आए, हम लोग दोनों को करने के लिए आए। क्या लगता है सरकार कितनी सुन रही है आपकी? हमारी बात अभी तक सुनी नहीं है, लेकिन जान देने के वास्ते दे रहे हैं तो जरूर सुनेगी, ये तो पक्का है कि सुनना है। हम लोग अभी 1 इंच जमीन नहीं दिए हैं इसके अलावे, और ना भी देंगे, जो भी करना पड़ेगा हम लोग को तो करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे अगर आप पूरा माहौल अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप माहौल में देख पा रहे होंगे कि काफी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज विरोध प्रदर्शन कहें या यूं कहें कि यहाँ के जो डीसी महोदय हैं उनको ये लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं, लेकिन भीड़ काफी उमड़ी है। और इनके समर्थन के लिए जब आपको गोंदलपुरा का जो दिखा रहे थे सभा, उस टाइम भी गोंदलपुरा में महेश्वर मेहता उपस्थित थे, और यहाँ पर भी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके सहयोग के लिए उसके समर्थन के लिए यहाँ भुवनेश्वर मेहता पूर्व सांसद उपस्थित है।